नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द हीट इन द फर्नेस। तो हम लोग पढ़े भी कि फर्नेस का डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए कि गिवेन टाइम में ये एज मच एज स्टॉक को यूनिफॉर्मली हीट कर सके, और साथ ही साथ जो फ्यूल की रिक्वायरमेंट हो वो मिनिमम हो। यही हमारा एक गुड या इफ़िशियंट फर्नेस की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो जो है हमें ये बर्नर सॉरी किसी फर्नेस के अंदर प्रॉपर हीटिंग के लिए हमें बर्नर की पोजीशन को ध्यान में रखना होता है, तभी हीट का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा। अभी कहें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हीट का होगा तभी स्टॉक जो है यूनिफॉर्मली हीटेड होगा। हीट का डिस्ट्रीब्यूशन यदि यूनिफॉर्म होगा फर्नेस के अंदर तभी स्टॉक यूनिफॉर्म हीटेड होगा, जो कि हमारा एक इफिशियंट फर्नेस का कैरेक्टरिस्टिक था। तो हमें कुछ केयर रखना होता है इस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के हीट के लिए। तो पहला चीज़ क्या होता है कि जो फ्लेम फॉर्म होता है बर्नर के द्वारा, ठीक है, जो फ्लेम फॉर्म होता है बर्नर के द्वारा वो किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट से टच नहीं करना चाहिए। वो किसी जो भी स्टॉक हम लोग यूज़ किए हैं सॉलिड फॉर्म में है तो वो टच नहीं करना चाहिए, वो फ्लेम टच नहीं करना चाहिए, और वो क्लियर होना चाहिए। मतलब इतना गैप होना चाहिए सॉलिड ऑब्जेक्ट से कि क्लियर होना चाहिए। यदि कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन होता है या टच करता है किसी स्टॉक से तो ये डीएटोमाइज हो जाता है फ्यूल पार्टिकल, और वो कंबसन को अफेक्ट करता है, कंबसन को अफेक्ट करता है, साथ ही साथ ये ब्लैक स्मोक क्रिएट करता है। जो हम लोग स्टॉक डाले हैं और वो फ्यूल इधर से सप्लाई कर रहे हैं, ये कॉन्टेक्ट में आएगा तो ये डीएटोमाइज हो जाएगा। एक्चुअली होता क्या है कि जो हम लोग फ्यूल को सप्लाई करते हैं नोजल के माध्यम से, तो ये क्या फ्यूल क्या कन्वर्ट फ्यूल क्या हो जाता है कि छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। छोटा छोटा ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करने का क्या रीज़न था कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा वो उतना जल्दी रिएक्ट करेगा, उतना जल्दी रिएक्ट करेगा तो उतना जो है ज़्यादा से ज़्यादा उस फ्यूल का यूटिलाइजेशन हो पाएगा। हमने पहले भी एक एग्जांपल दिया था, एक बड़े से टुकड़े के कोयले को हम लोग जलाना चाहें तो वो बहुत मुश्किल से जलता है, लेकिन उसको यदि फाइन रूप में कन्वर्ट कर दें, उसको एटोमाइज कर दें, तो वो बहुत आसानी से बर्न आउट हो जाता है और वो कंप्लीट कंबसन के तरह अप्रोच करता है। तो क्या होगा कि यदि फ्यूल को हम लोग सप्लाई कर रहे हैं वो एटोमाइज फॉर्म में है, जब किसी स्टॉक से टच में करेगा तो वो जो एटोमाइज फॉर्म में था, वो पार्टिकल्स फॉर्म में था, वो एक जगह एकोमोडेट हो जाएगा। तो जैसे ही एक जगह एकोमोडेट होगा तो वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स था उस ड्रॉपलेट्स का वो ख़त्म हो जाएगा, जो हायर सरफेस एरिया था वो लोअर सरफेस एरिया में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसके कारण इनकम्प्लीट कंबसन के चांसेस बढ़ जाएंगे। साथ ही साथ ये क्या करेगा, ब्लैक स्मोक क्रिएट करेगा, और ब्लैक स्मोक क्रिएट करने के साथ साथ यदि कोई फ्लेम जो है टच करता है उस स्टॉक को तो ये स्केल लॉसेस को भी इंक्रीज करेगा। आप लोग एक एग्जांपल के तौर पे हम कहें कि रोलिंग के लिए हम लोग ब्लेड्स को हीट करते हैं रीहीटिंग फर्नेस में, यदि रीहीटिंग फर्नेस का फ्लेम जो है उसके टच करेगा तो उसके सरफेस का जो आयरन होगा उसको ऑक्सीडाइज कर देगा, जिसके कारण वो जो है उसके सरफेस पर हमें एक लेयर का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसके कारण जो लेयर फॉर्म हो रहा है वो हमें कोई यूज़ का नहीं रहेगा। इसको हम लोग स्कल कहते हैं। रोलिंग के पहले हमें उस स्कल को रिमूव करने की ज़रूरत होती है। दूसरा चीज़ हमें ध्यान में देने की बात है कि जो फ्लेम है अलग अलग बर्नर से निकल रहा है, बहुत सारे बर्नर लगे होंगे और सारे बर्नर से फ्लेम निकल रहे होंगे, तो ये जो फ्लेम निकल रहा है एक दूसरे से
सेपरेट होना चाहिए, एक दूसरे से क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इधर से जो फ्लेम निकल रहा है और इधर से जो फ्लेम निकल रहा है एक दूसरे से टच करेगा, या बगल से जो फ्लेम निकल रहा है ये जो फ्लेम निकल रहा है एक दूसरे से टच करेगा। यदि टच करेगा तो क्या होगा, या एक दूसरे से इंटरेक्ट करेगा तो क्या होगा कि वहाँ पे इनसफिशियंट या इनइफिशियंट कंबशन का केसेस बन जाएगा, जिसके कारण हमें जो है हीट का जो है कंप्लीट कंबशन नहीं होने से हीट का लॉस हो जाएगा। ओके, या फ्यूल जो है हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ने लगेगा। यदि फ्लेम जो है इंटरेक्ट होने लगेगा तो फ्यूल का कंजप्शन ज़्यादा हो जाएगा। थर्ड चीज है कि यदि फ्लेम जो है वो किसी रिफ्रैक्टरीज से टच करेगा, रिफ्रैक्टरी हम लोग रिफ्रैक्टरी लाइनिंग किसी फर्नेस के अंदर यूज किए हैं, तो रिफ्रैक्टरी से टच करेगा तो भी क्या होगा कि इनकम्प्लीट कंबसन होगा, और इनकम्प्लीट कंबसन के बाद जो प्रोडक्ट है वो फॉर्म होगा और उस रिफ्रैक्टरी वॉल पर सेटल डाउन होगा। क्या जो मान लो कि हम लोग फर्नेस ऑयल यूज किए हैं, फर्नेस ऑयल की यूज किए हैं, तो इनकम्प्लीट कंबसन हुआ क्योंकि वो ऑयल जो हम लोग चार्ज कर रहे थे वो फ्लेम हमें हमारे रिफ्रैक्टिव वॉल को टच कर रहा था, तो इनकम्प्लीट कंबसन के बाद जो प्रोडक्ट बना वो हमारे रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स के ऊपर स्टिक कर जाएगा, और स्टिक करने के बाद ये जो रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स से रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करने के बाद इरोजन और कोरोजन देगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रख के ही हम लोग हीट का डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से कर सकते हैं। पहला देखो पहला जो ये है ये रॉन्ग जो है ये लगा हुआ है हमारा नोजल्स, इसमें देखो फ्लेम जो है वो स्टॉक से टच कर रहा है, फ्लेम जो है स्टॉक से टच कर रहा है, जिसके कि कारण हमें हीट का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाएगा और स्कल का फॉर्मेशन होगा। यही जो है दूसरा केसेस देखो ये करेक्ट है, जिसमें कि हम लोग बर्नर्स जो हैं थोड़ा सा ऊपर कर दिए हैं, और ऊपर करने से जो है फ्लेम जो है ये टच नहीं कर पा रहा है स्टॉक से, और इसके पास क्लियर जगह है, एकदम टच कर ही नहीं पा रहा है, तो इस केस में हमें हीट का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूनिफॉर्म मिलेगा। नेक्स्ट जो है इस केस में देखिए ये जो फ्लेम का फॉर्मेशन हो रहा है ये रिफ्रैक्टरी वॉल को टच कर रहा है, या यूं कहें ये सामने के फ्लेम को टच कर रहा है, सामने के फ्लेम के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो इंटरेक्ट करने के कारण भी इनकम्प्लीट कंबशन का केसेस होता है, जो कि या इनसफिशियंट कंबशन का केसेस होता है, जो कि हमें ज़्यादा फ्यूल रिक्वायरमेंट को बनाता है। यहाँ पे देखो ये रिफ्रैक्टरी वॉल को भी टच कर दे रहा है, लेकिन इसी का दूसरे केस में जो करेक्ट केसेस है, एक जो बर्नर है ये टॉप पोर्शन पे है, एक बर्नर कंपेरेटिवली लोअर पोर्शन पर है, दोनों बर्नर जब हम लोग ऑन कर रहे हैं तो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, ना ही इंटरेक्ट कर रहा है, ना ही रिफ्रैक्टिव वॉल को टच कर रहा है, तो ये जो केसेस बन रहे हैं ये इफिशियंट कंबशन के केसेस बन रहे हैं। इस कारण जो भी हीट का फॉर्मेशन होगा वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है बहुत आसानी से बहुत अच्छे तरीके से होगा। इस तरीके से हम लोग एक इफिशियंट फर्नेस का डिज़ाइन कर सकते हैं। क्लियर है? ओके, थैंक यू।